हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड के अंतर्गत हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम एक निश्चित स्टेटमेंट देते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। लेकिन यहाँ पर जो है एक इसको ज्ञात करने के लिए ये क्या है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, हम जब स्थिर दाब पर किसी भी पदार्थ की एनोट्रोपी में ताप के साथ परिवर्तन को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, डीएस इक्वल टू सीपी अपॉन टी डीटी। अगर ठोस को 0 केल्विन से टी केल्विन ताप तक स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है और ताप टी ठोस के गलनांक से कम है, यानी कि 0 से टी केल्विन ताप जो है ऐसा ताप है जिस पर कि ठोस पूर्णतः पिघलता नहीं है, तो उस स्थिति में ठोस 0 के केल्विन पर दाब इक्वल टू ठोस 0 टी केल्विन ताप पर प्रेशर। इस प्रक्रम में होने वाले एन्ट्रोपी परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए उपरोक्त समीकरण को जब 0 से टी ताप के बीच में समाकलित करते हैं तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है, डेल्टा एस इक्वल टू एस टी माइनस एस जीरो इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू टी सी पी अपॉन टी डी टी। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ एस जीरो एनट्रोपी का शून्य परम ताप पर मान है जो कि एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है। ये जो वैल्यू है सी पी अपॉन टी जो है इसका मान हमेशा धनात्मक होता है, अतः उच्च ताप पर एनट्रोपी का मान एस जीरो मान से अधिक होगा। और एम प्लांक ने बताया कि पूर्णतया शुद्ध क्रिस्टलीय ठोसों के लिए एस जीरो का मान शून्य होता है, तो इसको हम शून्य रख दें। तो यह जो वैल्यू है ये ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहलाता है, जिसके अनुसार शुद्ध एवं पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोसों की एनोट्रोपी का मान शून्य परम ताप पर शून्य होता है। इसे हम इस प्रकार से भी इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एस लिमिट टी टेंड्स टू जीरो इक्वल टू जीरो। यहाँ पर टी बराबर 0 पर एस 0 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन जो है ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स का तृतीय नियम लगा दें, यानी एस 0 बराबर 0 रख दें, तो एस टी इक्वल टू 0 टू टी सी पी अपॉन टी डी टी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सी पी डी लॉग टी। एस टी जो कि ठोस की परम निरपेक्ष एब्सोल्यूट एंट्रोपी कहलाती है जो कि हमेशा धनात्मक होती है, और एस टी जो है थर्ड लॉ एंट्रोपी कहलाती है। थर्ड नियम प्रथम और द्वितीय नियम के समान किसी कंसेप्ट को नहीं बताता, बल्कि ये एनोट्रोपी के मान की एक सीमा को निर्धारित करता है। जूल थॉम्सन ने नेरस का ऊष्मा सिद्धांत, नेरेस्ट हीट थ्योरम, जूल थॉम्सन ने डेनियल सेल के लिए डेल्टा जी और डेल्टा एस दोनों पदों का मान समान बताया। इसी प्रकार बर्थलोट के अनुसार जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो तंत्र की मुक्त ऊष्मा में कमी होती है, यानी कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है, तथा इन्होंने डेल्टा जी व डेल्टा एस में मात्रात्मक संबंध बताया जो कि साधारण ताप पर संघनित तंत्र के लिए सही है। तो स्थिर दाब पर जब डेल्टा जी और डेल्टा बीच के एच के बीच में संबंध बताया तो ये इक्वेशन हमें
मिलती है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं हैं। 1902 में रिचर्डसन ने विभिन्न तापों पर सेल के विद्युत भाग बल ज्ञात करने पर पाया कि निश्चित ताप पर इसका मान, ताप का मान घटने के साथ साथ ये वैल्यू भी, ओवरऑल वैल्यू जो है घटती जाती है। इससे जैसे जैसे ताप घटता है वैसे वैसे डेल्टा जी और डेल्टा एच के मान जो है के निकट आते जाते हैं, और परम शून्य ताप टी बराबर जीरो पर लिमिट पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच के बराबर होगा। और जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं तापक्रम है, इधर ये इधर तापक्रम बढ़ रहा है, डेल्टा जी या डेल्टा एच इस डायरेक्शन में है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ताप कम हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये ताप कम होता जा रहा है, वैसे वैसे डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू बराबर एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है परम शून्य ताप है, इस पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच के बराबर हो जाता है। तो इसमें नेरेंस ने प्रायोगिक रूप से बताया कि तापक्रम कम होने पर ये वैल्यू, इस वैल्यू का मान जो है कम होता है। इसके अनुसार किसी भी संघनन तंत्र के ताप को क्रमशः परम शून्य तक कम करने पर इस वैल्यू का मान क्रमागत या उपगामी रूप से एसिम्प्टोटिकली घटते हुए शून्य की ओर अग्रसर होता है। इसे ही नेरेंस का ऊष्मा सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर डेल्टा जी और डेल्टा एच का मान समान हो जाता है, बल्कि परम शून्य के निकट के तापों पर वह धीरे धीरे एक दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं, और ये आचरण ठोस रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है, न कि जो कि अपूर्ण रेखाओं द्वारा, जो कि परम शून्य ताप पर धीरे धीरे न होकर तीव्र गति से, यहाँ पर ये जो है धीरे धीरे चेंज आ रहा है, धीरे धीरे असिम्प्टोटिक, लेकिन इस केस में ये तेजी के साथ कम हो रहा है। तो यानी कि डेल्टा जी और डेल्टा एच के मानों में परिवर्तन जो है एसिम्प्टोटिकली आता है, न कि तीव्र गति में आता है। तो यही जो है कि परम शून्य ताप पर डेल्टा जी और डेल्टा एच का मान समान होता है। इसको इस नेरेंस सिद्धांत का गणितीय रूप इस प्रकार से भी है, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो इसको जब इक्वल टू दिस इक्वल टू जीरो। उस नेरेंस ऊष्मा सिद्धांत का निष्कर्ष यानी कि जब डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी तो इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, लेकिन नेरेंस के अनुसार परम शून्य ताप पर डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू जीरो। अतः लिमिट टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, तो लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एस टू माइनस एस वन इक्वल टू जीरो, तो टी टेंड्स टू जीरो पर एस टू इक्वल टू एस वन। यानी कि परम शून्य के क्षेत्र में यानी कि विसिनिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो सारे प्रक्रम बिना एनोट्रोपी परिवर्तन के होते हैं। ये नेरेंस्ट ऊष्मा सिद्धांत का दूसरा कथन है। इसी प्रकार से सीपी और एच में परिवर्तन को हम इस प्रकार से बता सकते हैं, लेकिन नेरेंस्ट ऊष्मा सिद्धांत के परम शून्य पर ये बराबर भी जीरो होगा। तो इस लिमिट में डेल्टा एच की वैल्यू स्थिर दाब पर बराबर जीरो, और ये और डेल्टा सी पी इक्वल टू जीरो, तो लिमिट टी टेंड्स टू जीरो सी पी टू माइनस सी पी वन इक्वल टू जीरो। तो लिमिट टी टेंड्स टू जीरो सी पी टू इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू जीरो सी पी वन। तो समीकरण से निश्चित दाब पर तंत्र की ऊष्मा धारिता का अंतर परम शून्य की तरफ बढ़ने पर भी शून्य की ओर बढ़ता है, अर्थात परम शून्य के आसपास ऊष्मा धारिता अपरिवर्तित रहती है। ये भी जो है क्योंकि दोनों का मान बराबर हो जाता है, तो ये भी नेरेंस्ट ऊष्मा सिद्धांत का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है।
अब एंट्रोपी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो पहला है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक अवस्था, यानी कि जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसकी एंट्रोपी मान में वृद्धि होती है। जैसे कि द्रव जल की मानक एंट्रोपी का मान 8.4 R है, जबकि गैस जल यानी जल वाष्प की मानक एंट्रोपी का मान 22.7 R होता है। इसका मतलब है कि जब भी कोई भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तो एंट्रोपी का मान भी जुड़ जाता है। पदार्थ के कणों का द्रव्यमान, यानी पदार्थ के कणों परमाणु भार या अणु भार बढ़ने से एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है, और हीलियम से ज़ीनोन तक परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ उनकी एंट्रोपी का मान भी बढ़ता है। घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि, लगभग समान स्थिति वाले गैसीय पदार्थियों के एंट्रोपी के मान उनके घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटियों के साथ बढ़ते हैं। जैसे नियोन के घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि 0 है, लेकिन HF में इसका मान 2 है, अर्थात 2 कोटियों की वृद्धि से एंट्रोपी मान में वृद्धि इतनी है। और H2O में घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि 3 है, अर्थात HF से 1 अधिक, अतः H2O की एंट्रोपी का मान HF से 1.811 R अधिक होगा। और इन H2 और अमोनिया की स्थिति भी लगभग बराबर, अतः इनके घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटियाँ भी समान होती है, अतः इनकी एंट्रोपी का मान भी लगभग समान होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठोस जिनमें अकेली सरल इकाइयाँ हों, जिनकी ऊष्मा धारिता उनके कंपन पर निर्भर करती है, जिस ठोस में कण मजबूती से बंधा हुआ हो उनकी कंपन की आवृत्ति उच्च होगी, अतः उनकी ऊष्मा धारिता का मान कम होगा, इसलिए उनकी एंट्रोपी का मान भी कम होता है। जैसे हीरा, जिसमें कार्बन परमाणु पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हीरा जिसमें कार्बन परमाणु मजबूती के साथ क्रिस्टल में बंधे हुए हैं, उनकी ऊष्मा धारिता का मान कम होता है और उनकी और एंट्रोपी का मान भी अत्यंत कम है कम होगा। और इसके विपरीत सिलिकॉन में दुर्बल बंध और उच्च द्रव्यमान के कारण कंपन की आवृत्ति निम्न होती है, अतः उसकी उच्च ऊष्मा धारिता होगी ये, और इसकी एंट्रोपी भी उच्च होगी। ठोस की संरचना, वे ठोस जिनमें 2, 3 या अधिक सरल इकाइयाँ होती हैं उनकी एंट्रोपी का मान एक सरल इकाई युक्त ठोस से 2-3 गुना अधिक होता है, अर्थात एक कण की एंट्रोपी लगभग सदैव समान होती है। इसके विपरीत वे ठोस जिनमें एक अकेली जटिल इकाई हो उसके ठोस के कणों को वांडरवाल्स बंध बांधे रखता है, तन की एंट्रोपी का मान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। एनोट्रोपी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस, किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी को ज्ञात करने के लिए अभिक्रिया की एंट्रोपी को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन के समान एंट्रोपी परिवर्तन को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम 2 रिएक्शंस लेंगे, जिसमें पहला है F2O3 + 3H2 गिव्स 2Fe + सॉलिड + 3H2O लिक्विड, यानी यहाँ पर ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। तो थर्ड लॉ के अनुसार मानक एंट्रोपी का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर दाब पर ज्ञात कर लिया जाता है, और किसी भी अभिक्रिया के एंट्रोपी परिवर्तन को हम बता सकते हैं ΔS0 = S initial, S final - S initial, या और S product - S reactant। तो ΔS0 = 2S0 Fe, S प्रोडक्ट क्या है इसके, Fe S H2O है। तो पहले इनकी एंथैल्पी को लिखेंगे, -H0 Fe इनकी एंथैल्पी को लिखेंगे जो कि यहाँ पर हमने लिखी है। अब इन एंथैल्पीज के मान हम रखें तो ये मान है Fe सॉलिड का 3.28 है, +3 H2O का लिक्विड H2O का 8, ये वैल्यू है, और
10.51 - 3 15.704, यानी कि पानी के लिए इसकी वैल्यू यह है। तो बराबर आर माइनस 25.82 के बराबर इतना आएगा। तो डेल्टा एस का मान उच्च ऋणात्मक है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अभिक्रिया के समय एंट्रोपी का मान कम हो रहा है, कि उपरोक्त अभिक्रिया में क्रियाकारक में एक पदार्थ गैसीय है जबकि उत्पाद में कोई गैसीय नहीं है, और हम जानते हैं कि गैसीय पदार्थों की एंट्रोपी ठोस और द्रव से अधिक होती है। अतः जब अधिक एंट्रोपी वाले पदार्थ क्रिया करके कम एंट्रोपी वाले पदार्थ बनाएंगे तो तंत्र की एंट्रोपी कम होगी। इसके विपरीत ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें उत्पाद गैसीय है, यानी कि Cu2O + Cu + कार्बन सॉलिड, ये मिलकर कॉपर सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो डेल्टा एस जीरो इक्वल टू 2S0 Cu S0 Cu गैस माइनस Cu2O सॉलिड माइनस Cs। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन सब की एनोट्रोपी इसकी और इसकी सब एंट्रोपी का मान हम यहाँ रखा, कॉपर की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, Cu2O की और कार्बन की। तो इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि एंट्रोपी का मान धनात्मक है, अर्थात अभिक्रिया संपन्न होने पर एंट्रोपी के मान में वृद्धि हो रही है क्योंकि उत्पाद में अधिक एंट्रोपी वाला गैसीय पदार्थ बन रहा है। तो इस तरीके से हमने आज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और नेरस्ट हीट थ्योरम के बारे में पढ़ा, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।